इस वक्त आप अगर किसी भी भारतवासी से ये पूछेंगे कि भारत में चल क्या रहा है, अगर वो क्रिकेट प्रेमी होगा तो वो जरूर ये बोलेगा कि भारत में इस वक्त ये चल रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिका वेस्ट इंडीज आप किस विकेट कीपर को लेके जाएंगे। सारा मामला, सारा माजरा विकेट कीपर्स के ऊपर है। बीसीसीआई किसको मौका देगी, क्या वो ईशान होंगे, क्या वो ऋषभ पंत होंगे, क्या वो संजू सैमसन होंगे, क्या वो केएल राहुल होंगे, क्या वो यंग दिनेश कार्तिक होंगे, और बाय एनी चांस क्या वो जितेश शर्मा होंगे। उसी बारे में इस बार चर्चा करेंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि बीसीसीआई के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, कौन से दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो उनके दिमाग में विकेट कीपिंग की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं, बाकी ट्रैफिक जैम है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। आईपीएल 2024 के मुकाबले हमें देखने को मिल रहे हैं, हर खिलाड़ी अपने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। खासकर की बात करें विकेट कीपर्स की, तो विकेट कीपर्स का रोल अहम हो जाता है क्योंकि विकेट कीपर्स में बहुत ज्यादा लिस्ट है लंबी, बहुत ट्रैफिक जैम है। हर कोई खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता है, हर खिलाड़ी वेस्ट इंडीज अमेरिका की फ्लाइट में सवार होके वर्ल्ड कप के लिए जाना चाहता है। अब आपको बता दें कि कितने ज्यादा इसमें नाम है। देखिए, सबसे पहले आपका ऋषभ पंत का नाम है, सबसे ऊपर जो नाम है वो ऋषभ पंत का है। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट 30 दिसंबर 2022 हुआ था, तब से वर्ल्ड कप तक वो क्रिकेट के मैदान से दूर चल रहे हैं, साथ साथ अपनी अपनी जो दावेदारी है वो भी पेश कर रहे हैं। जब से वो वर्ल्ड कप में आए, शुरुआती मैचेस में थोड़ा सा फंसते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद अब विकेट कीपिंग की रेस में ऋषभ पंत सबसे आगे हैं। 150-200 के स्ट्राइक रेट से ही खिलाड़ी खेल रहा है, साथ साथ अपनी पुरानी फॉर्म भी दिखा रहा है। हालांकि टी20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत के आंकड़े उतने ज्यादा बेहतरीन नहीं है, लेकिन एक लेफ्ट हैंडर होने का और पावर हिटर होने का मिडिल ऑर्डर में वो फायदा पंत के साथ है, इसीलिए पंत का नाम सबसे आगे। पंत के अगर पीछे किसी का नाम है तो वो है संजू सैमसन, जो बीसीसीआई के दिमाग में है। देखिए, संजू सैमसन कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं, उनको महेंद्र सिंह धोनी के बाद का दर्जा दिया गया, क्योंकि धोनी जिस तरीके से कूल कंपोज होके कप्तानी करते थे, उसी तरीके के कैरेक्टर संजू सैमसन का भी, उसी तरीके का नेचर संजू सैमसन का भी है, उसी तरीके का व्यक्तित्व संजू सैमसन का भी है। तो संजू बड़े कूल कंपोज कप्तान है, साथ साथ क्लासी शॉट्स लगाते हैं, कोई अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट आप इनको खेलते हुए नहीं देखते हैं, कोई आड़े टेढ़े शॉट्स नहीं लगाएंगे, बट एक क्लासी पारी खेलते हैं हमेशा से ही। अर्धशतक लगा चुके हैं इस आईपीएल में काफी बार, साथ साथ अपनी टीम को मजबूती दे रहे हैं, अपनी टीम को नंबर वन पर पहुंचाया है इन्होंने, और बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, विकेटों के पीछे भी अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं। तो ऋषभ पंत के बाद अगर किसी का नाम बीसीसीआई के फेयर लिस्ट में है, उनके दिमाग में है, तो वो है संजू सैमसन। अब तीसरा नाम आते हैं, तीसरा नाम देखिए केएल राहुल का भी आ रहा है। केएल राहुल का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि केएल राहुल को बतौर फ्लोटर भी ये खिला सकते हैं, यानी उनसे ओपन भी करवा सकते हैं, केएल राहुल ओपन भी करते थे, उनसे आप नीचे भी खिलवा सकते हैं, उनसे आप लोअर मिडिल ऑर्डर में भी खिलवा सकते हैं, तो तीनों जगह पे आप केएल राहुल को यूज़ कर सकते हैं। इसलिए भी केएल राहुल का नाम आगे आ रहा है कि सिर्फ विकेट कीपर नहीं बल्कि आप केएल राहुल को फ्लोटर भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए केएल राहुल का नाम इस लिस्ट में। उसके बाद दिनेश कार्तिक का नाम भी इस लिस्ट में। दिनेश कार्तिक का ये आखिरी साल होने वाला है वर्ल्ड कप का, इसके बाद शायद संन्यास का ऐलान कर दे, तो दिनेश कार्तिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होने वाला है। अपनी दावेदारी बढ़ चढ़कर ठोक रहे हैं, जिस तरीके से वो रन्स बना रहे हैं, 150-200 के स्ट्राइक रेट से एक खिलाड़ी खेल रहा है, और इसी मतलब इस प्रदर्शन की वजह से ही दिनेश कार्तिक को टी20 वर्ल्ड कप 2024 में मौका मिला था, क्योंकि आईपीएल 2024 में दिनेश कार्तिक का जो प्रदर्शन था बेहतरीन रहा था, उसके बाद उनको वर्ल्ड कप में खिलाया। हालांकि वर्ल्ड कप में वो प्रदर्शन नहीं कर पाए, बट इस बार उम्मीद करेंगे कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो वर्ल्ड कप में भी वैसा ही प्रदर्शन करें जैसे आईपीएल में करते आ रहे, वर्ल्ड कप में कहीं चोक ना कर जाए। और ईशान किशन, जितेश शर्मा, ये दो आखिरी नाम बचे, इनके बारे में एज ऑफ नाउ बीसीसीआई दिमाग में कुछ भी नहीं सोच रही है क्योंकि इन दोनों का नाम लिस्ट में है ही नहीं। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि कौन सबसे ऊपर बढ़ चढ़कर किसका सिक्का बोलेगा, क्या वो ऋषभ पंत होंगे, क्या वो दिनेश कार्तिक होंगे, क्या वो संजू सैमसन होंगे। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए।